हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित बाड़मेर। निर्वाचन विभाग के निर्देश अनुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारूप प्रकाशन दिनांक 1 नवंबर 2021 के संदर्भ में सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश विश्रोही की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्रोही ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारूप प्रकाशन के दौरान जोड़े गए एवं हटाए गए नामों के बारे में विस्तृत जानकारी कराई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए स्वयं कर सकते हैं। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए मतदाता अपना नाम सूची में खोजना, जोड़ना, हटाना, संशोधन करना, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनाना आदि कर सकते हैं। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि जगदीश जाखड़, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सचिव नानक दास धारीवाल, भारतीय जनता पार्टी के कुमार कौशल जोशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव शंकरलाल वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 1 नवंबर 2021 का सेट एवं सीडी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने के सहयोग का आग्रह किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के अति जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्रोही इन्होंने ये कहा, आज स्पेशल पुनरीक्षण अभियान निर्वाचन आयोग का है। 1-1-2022 के जो 18 साल से ऊपर हो गए उनके लिए नाम जोड़ने का अभियान है। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि की मीटिंग ली, उनको हमने सूचियां और सीडियां अवेलेबल करवाई है ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को देख के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाम जुड़वाने के लिए, नाम संशोधन के लिए, नाम हटाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि निर्वाचन आयोग का जो लक्ष्य है सभी व्यक्ति जो 18 से 19 या जो एलिजिबल है वो निर्वाचन रजिस्टर में उनका नाम होना चाहिए। इसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टियों को मीटिंग ली है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। पोर्टल हेल्पलाइन एक ऐप भी है, उसके थ्रू भी नए जो व्यक्ति है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मैं मीडिया से भी ये निवेदन है कि सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा नए व्यक्ति युवा इसका फायदा उठा पाए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।